डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉमनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो उसमें हमने देखा था सिस ट्रांस नॉमनक्लेचर और ई एंड जेड नॉमनक्लेचर। तो इसमें अभी एक और बचता है, नंबर थर्ड, सिन एंड एंटी नॉमनक्लेचर। अब ये सिन एंड एंटी नॉमनक्लेचर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जनरली हम ये ऑक्साइम्स के केस में यूज़ करते हैं, या जो हमारे एजो कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे ऑक्साइम्स में एल्डोक्साइम्स और कीटोक्साइम्स। अब ये एल्डोक्साइम्स और कीटोक्साइम्स होते क्या हैं? जब एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दें तो बनते हैं एल्डोक्साइम्स, अगर हम कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करा देंगे तो बनेंगे कीटोक्साइम्स। इनका स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। अब इनको हम क्या कहते हैं, जैसे हम सिस और ट्रांस बोल रहे थे या ई जेड बोल रहे थे, यहाँ पर हम वर्ड यूज कर लेते हैं इसके लिए सिन या एंटी। अब सिन का मतलब होता है सेम साइड और एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। अब क्या हमें सेम साइड देखना है और क्या ऑपोजिट साइड, वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, ये जो एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है तो यहाँ पर एक एच होता है और एक ओ एच होता है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH होगा और कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। तो हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को देखना है। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड के सेम साइड पर हैं तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर लेंगे सिन। सिन मीन्स सेम साइड। और अगर ये दोनों डबल बॉन्ड से ऑपोजिट साइड पर है तो हम यूज़ करेंगे एंटी। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ, जैसे ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो डबल बॉन्ड क्योंकि इस तरह से बना रखा है तो बस आपने यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, और क्योंकि ये इस लाइन से सेम साइड पर एच है और सेम साइड पर ओ एच है, यानी दोनों के दोनों राइट हैंड साइड पर हैं, तो सेम साइड पर है इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं सिन। तो यहां हमें सिर्फ हाइड्रोजन एल्डोक्साइम के केस में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को देखना है। अब एंटी के केस में क्या होगा, देखिए जैसे यहां पर एग्जाम्पल हुआ, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से हमने एक लाइन ड्रॉ की और लाइन से एक साइड एच है यानी राइट हैंड साइड पर एच है और लेफ्ट हैंड साइड पर ओ एच है, यानी दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं, तो हम इसके लिए यूज कर लेंगे वर्ड एंटी। तो ये सिन ऑक्साइम हो गया और ये एंटी ऑक्साइम हुआ। अब आते हैं कीटोक्साइम्स। अब कीटोक्साइम्स में क्योंकि एच तो होगा नहीं, क्योंकि एच कहाँ पर होगा, एल्डिहाइड में। कीटोक्साइम्स क्योंकि कीटोन से बनते हैं तो जाहिर सी बात है ये एच जो है किसी एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में दिखा भी रखा है कि ये वाला पोर्शन तो उतना का उतना है, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच यहाँ पर भी था, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच यहाँ पर भी था, इसमें एक फिनाइल था और एक हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, जैसे दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, दोनों यहाँ पर एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं या एक एल्काइल और दूसरा एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिन और एंटी इनको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ भी हमें ये देखना होगा कि ओ एच के साथ कौन सा ग्रुप उसी की साइड पर है। जैसे सपोज, जैसे इसका नाम अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर हम इस कंपाउंड को सिन भी बोल सकते हैं और एंटी भी बोल सकते हैं। अब नाम लिखने में बस देखना है क्या करना है। तो आपने क्या करना है, यही डबल बॉन्ड के मिडिल से लाइन गई और हमने देखा कि डबल बॉन्ड से इधर की साइड यानी ऊपर की साइड अगर हम देखें तो OH और CH3 ग्रुप हैं, यानी OH के सेम साइड पर CH3 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये CH3 ग्रुप OH से सिन है क्योंकि वो उसी की साइड पर है। और जो ये C2H5 यानी जो इथाइल ग्रुप है वो OH से ऑपोजिट साइड है, यानी कि वो एंटी है। तो जब अगर आपको इसका नाम सिन से लिखना है तो हमने लिखा सबसे शुरू में सिन, और जो भी ग्रुप सिन है सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर सिन ग्रुप OH का के साथ कौन सा है, मिथाइल ग्रुप, तो हमने नाम लिखा सिन, पहले लिखेंगे मिथाइल क्योंकि वही सिन है OH के साथ, और फिर हम इसका नाम लिखेंगे इथाइल और फिर कीटोक्साइम। तो सिन अगर हम लिख रहे हैं तो हम जो ग्रुप है इसके साथ सिन वही हम पहले लिखेंगे। अगर हम लिखेंगे इसी का नाम एंटी भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बीच में और लिखा है, तो इसका नाम एंटी लिख सकते हैं, लेकिन एंटी में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, जो OH के एंटी होगा ग्रुप। यहाँ पर इथाइल ग्रुप एंटी है तो हम इथाइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, तो एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। तो आप एक ही कंपाउंड को सिन या एंटी बोल सकते हैं, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि OH की अगर सिन पोजीशन पर जो ग्रुप है तो अगर आप सिन से उसका नाम लिख रहे हैं तो पहले आप उसी का नाम लिखेंगे, और अगर आप एंटी लिख रहे हैं तो फिर OH से एंटी जो ग्रुप है पहले आप उसी का नाम लिखेंगे। जैसे सपोज यहां पर अगर हम देखें, अगर हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो अगर मुझे सिन लिखना हो तो फिर से मैं सिन के लिए क्या करूंगी, ये देखना पड़ेगा OH के सिमिलर साइड क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप। तो अब इसका नाम हो जाएगा सिन इथाइल मिथाइल
और कीटोक्साइन, जैसे सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन। और अगर मुझे लिखना है एंटी, तो एंटी क्योंकि मिथाइल ग्रुप है OH से ऑपोजिट साइड पर जा रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन। तो बस आपको सिर्फ याद ध्यान रखना है कि अगर आप सिन या एंटी लिख रहे हैं तो उसी ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे जो वो सिन या एंटी होगा OH से। तो इस तरह से हम ऑक्साइन्स के केस में सिन या एंटी नॉमनक्लेचर को यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड जहां पे एन डबल बॉन्ड एन आपको देखने को मिलेगा, यहां पे हम सिन और एंटी, यहां पे तो आपको दिख ही रहा है कि डबल बॉन्ड से एक ही साइड पर दोनों पीएच हैं और यहां पर एन के साथ एक लोन पेयर भी है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहां पर भी एन के साथ यहां पर हम लोन पेयर को शो कर सकते हैं। आप शो भी कर सकते हैं और नहीं भी, ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि नाइट्रोजन के हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें से हमें 3 तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए और बाकी के दोनों जो हैं वो एज अ लोन पेयर नाइट्रोजन के पास रहते हैं। तो डबल बॉन्ड से क्योंकि सेम साइड पर पीएच है और सेम साइड पर ही लोन पेयर है तो हम इसको बोलेंगे सिन। और यहां पर डबल बॉन्ड से दोनों पीएच ऑपोजिट साइड्स पर है और लोन पेयर भी दोनों ऑपोजिट साइड्स पर है तो हम इसको बोलेंगे एंटी। अच्छा, अगर मान लीजिए ये दोनों सेम ग्रुप थे तो हमें मालूम पड़ गया, चलो हम सिन लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये पीएच की जगह पीएच ना होकर एक पीएच हो और दूसरा सपोज CH3 हो, तब हम क्या करेंगे? तो हमें सिर्फ लोन पेयर की पोजिशन को देखना है। अब आप देख रहे हैं यहां पर हमने खींची लाइन, तो लोन पेयर तो अपनी ही जगह पर है और दोनों के दोनों इस लाइन से सिमिलर साइड पर हैं, यानी डबल बॉन्ड के सेम साइड पर लोन पेयर हैं। तो जब भी एजो कंपाउंड्स होंगे आप सिर्फ लोन पेयर की पोजीशन देखिए, अगर दोनों लोन पेयर नाइट्रोजन के सेम साइड पर हैं तो सिन हो जाएगा और अगर वो ऑपोजिट साइड पर हैं तो वो एंटी हो जाएगा। तो इस तरह से सिन और एंटी नॉमनक्लेचर हम देख सकते हैं। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो नॉमनक्लेचर है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि अगर देखिए अभी हमने सीखा सिस ट्रांस क्या थे आइसोमर्स, तो सिस ट्रांस हमें अगर स्ट्रक्चर बना के दे रखा है तब तो हम पहचान सकते हैं कि सिस जो है सेम ग्रुप सिमिलर ग्रुप्स अगर सेम साइड पर हैं डबल बॉन्ड की तो वो सिस हो जाएगा और अगर वो ऑपोजिट साइड्स पर हैं तो वो ट्रांस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंपाउंड हाथ में दे दिया जाए, कोई भी सॉलिड कंपाउंड, आपको दो सॉलिड कंपाउंड हाथ में दे दिए जाए और बताया पूछा जाए कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है, तो आप सिर्फ देख कर नहीं बता सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमारे पास नहीं लिखा होगा वहां पर, हमारे पास तो सामने कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को पहचानना, कॉन्फ़िगरेशन से यहां मतलब है वो सिस है कि ट्रांस है, तो उस सिस या ट्रांस को पहचानना ही कहलाता है डिटरमिनेशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को पहचान रहे हैं कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, तो उस सिस और ट्रांस में डिफरेंस करने के लिए या उनको पहचानने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं। तो क्योंकि सिस और ट्रांस आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड्स हमें दिए जा रहे हैं, दो कंपाउंड्स अगर हमें दिए गए हैं तो हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है तो हम वो प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे और उनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस। जैसे सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं केमिकल डिफरेंसेस, यानी कि हम अगर उनकी कुछ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सपोज मान लीजिए आपको दे दिया गया, एक मैलिक एसिड दे दिया गया और दूसरा फ्यूमैरिक एसिड दे दिया गया, तो अब आप कैसे बताएंगे कौन सा मैलिक है और कौन सा फ्यूमैरिक है? नॉर्मली हम अगर स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा हुआ हो तो हम बता, देखिए ये मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है क्योंकि मैलिक एसिड सिस होता है और ये फ्यूमैरिक एसिड है ये ट्रांस होता है। सिस क्यों है? क्योंकि दोनों COH इस डबल बॉन्ड से सेम साइड पर है। ये ट्रांस है क्योंकि डबल बॉन्ड से COH ग्रुप जो है दोनों ऑपोजिट साइड पर है। तो ये तो हम स्ट्रक्चर देखकर तो पहचान लिया, लेकिन अगर कंपाउंड लैब में दिया गया है आपको तो कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमें उसकी रिएक्शन करा के देखनी पड़ेगी। रिएक्शन में आपको सिंपल सा इतना करना है कि आपने दोनों एसिड्स को हीट किया तो एक एसिड तो बहुत इजीली एनहाइड्राइड बना देगा। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? अगर एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए तो एनहाइड्राइड बन जाता है। तो जो भी एसिड आपको इजीली एनहाइड्राइड बना के दे रहा है तो इसका मतलब वो मैलिक एसिड है, क्योंकि मैलिक एसिड से ही इजीली जो है वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है। जबकि जो फ्यूमैरिक एसिड होगा अगर आप उसको हीट करेंगे, भाई एसिड से एनहाइड्राइड अगर आपको बनाना है तो आपको सिंपल हीटिंग करनी होती है। हीटिंग करने से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकलने से हमारे पास एनहाइड्राइड बचता है। तो मैलिक एसिड को
सिंपल से हीट करा देंगे और वो एनहाइड्राइड में चेंज जाएगा, जबकि फ्यूमैरिक एसिड को उतने ही टेम्परेचर पर जितना इसको आपने हीट करने में दिया है, अगर हम उतना ही टेम्परेचर इसको दें तो उसमें यहाँ पर कोई एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ से हम दोनों में डिफ्रेंस निकाल सकते हैं कि जिसने ईजिली एनहाइड्राइड बना दिया वो मैलिक एसिड है, जो नहीं बना पाया वो फ्यूमैरिक एसिड है। अब ऐसा क्यों है, क्यों ये इजीली बना रहा है और क्यों ये इजीली नहीं बना पा रहा? देखिए यहाँ पर दोनों COH बिल्कुल पास पास में है, तो जब ये दोनों पास पास हैं तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो आराम से निकल सकता है। तो जब ये आराम से निकल जाएगा तो एनहाइड्राइड यहाँ बन जाएगा। अब फ्यूमैरिक एसिड में क्या होगा, क्योंकि ये COH और ये COH दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ईजिली नहीं निकल पाता, इसलिए यहाँ पर कोई एनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि अगर फ्यूमैरिक एसिड को हम बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करें, यानी बहुत देर तक हीट करें, ये तो थोड़ा कम देर तक हीट करने पर ही मैलिक एनहाइड्राइड बना देगा, लेकिन अगर हम बहुत देर तक फ्यूमैरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर क्या होता है, इसका एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है। और पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है कि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी यहाँ पर होमोलिसिस होती है। देखिए होमोलिसिस का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। सपोज हमारे पास ये एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर अगर बॉन्ड फिशन होगा, यानी कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा कि इस तरह से, यानी फ्री रेडिकल बन जाएंगे। होमोलिसिस कैसे होती है, होमोलिसिस का मतलब होता है कि ये जो बॉन्ड बना कैसे होगा, देखिए कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में मिले होंगे और एक बॉन्ड फॉर्म बना, बॉन्ड फॉर्म हुआ यहाँ पर। और बॉन्ड टूटेगा कैसे कि जिस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था वो दोनों के दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे, यानी ये होमोलिसिस हो गई। और एक होती है हेट्रोलिसिस, ये कभी हम डिटेल में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, पर अभी शॉर्ट में बता दे रही हूँ। होमोलिसिस हमेशा वहाँ पर होती है जहाँ पर दोनों ही जो ये एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे। जब दोनों सेम होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑब्वियसली बात है सेम होगी। और अगर हम यहाँ देखें, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो क्या होगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव होता है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये इजीली अपनी तरफ खींच सकता है। तो जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी बॉन्ड टूटेगा, तो हेट्रोलिसिस के थ्रू टूटेगा। हेट्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास पहुँच जाएंगे और कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन को हम ऐसे दिखा देंगे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जब भी हेट्रोलिसिस होती है तो हमेशा आयंस फॉर्म होते हैं, और जब भी होमोलिसिस होती है तो हमेशा फ्री रेडिकल फॉर्म्स होते हैं। होमोलिसिस में दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, और हेट्रोलिसिस में जो भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड ले लेता है, इसीलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो हुई स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराने पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ये पाई बॉन्ड होमोलिसिस से ब्रेक हुआ, इसलिए मैंने इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में आ गया, अब एक सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं सिग्मा बॉन्ड होता है तो उस बॉन्ड के अराउंड हम रोटेशन करा सकते हैं। देखिए यहां पर तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड थी, मतलब पाई बॉन्ड जब जहां भी कहीं होगा डबल बॉन्ड है तो वहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होती है, यही तो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज की कंडीशन थी कि जहां भी डबल बॉन्ड है तो वहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पर हम घुमा नहीं सकते हैं मॉलिक्यूल को, ये इस तरह से घूम नहीं सकता कि COH यहां पर आ जाए और H यहां पर आ जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह से पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और यहां पर क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है। तो ये फ्यूमैरिक एसिड पहले क्या होता है, यहां पर इसमें रोटेशन हो जाता है, जब ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है तो रोटेशन हो जाएगी, और रोटेशन हो जाएगी तो COH यहां पहुंच जाएगा और H यहां आ जाएगा, जैसे मैंने यहां पर दिखाया है। और फिर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे और मैलिक एसिड जो है वो बन जाएगा। तो यानी फ्यूमैरिक एसिड को अगर हम स्ट्रांग हीट कराएं तो वो पहले मैलिक एसिड में चेंज होता है, फिर मैलिक एसिड से मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो यहां पर
डिफरेंस कैसे पता चला हमें कि मैलिक एसिड और फ्यूमैरिक एसिड में, कि ये तो इजीली हम जरा सी देर हीट कराएंगे तुरंत ये मैलिक एनहाइड्रेट बना देगा, लेकिन ये एक जरा सी हीटिंग से नहीं बना पाता, इसको बहुत स्ट्रांग हीट करना पड़ता है। तो यहाँ से ये डिफरेंस निकल के आता है कि स्ट्रांग हीटिंग पर क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये फ्यूमैरिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज हुआ, तब जाके इसने मैलिक एनहाइड्रेट बनाया। तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सा हमारा सिस आइसोमर है और कौन सा ट्रांस। ट्रांस में क्योंकि दोनों बहुत दूर दूर है, इसलिए हम जो है यहां पर इसकी हीटिंग कराने पर यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं निकल पाता, जबकि यहां पर पास पास है तो इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल इजीली निकल जाता है। तो सिस आइसोमर में इजीली एनहाइड्रेट बन जाता है, जबकि ट्रांस में उतना इजीली नहीं बन पाता। सेकंड डिफरेंस आता है डाइपोल मूवमेंट का। इन जनरल क्या होता है, जो सिस आइसोमर होते हैं उनका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में। ये इन जनरल की बात है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आगे लिखे हैं वो सब इन जनरल हैं कि नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिस, लेकिन मोस्टली ज्यादातर क्या होता है कि सिस आइसोमर का हायर डाइपोल मूवमेंट होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांस आइसोमर। अब इसका क्या रीजन है, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली में है क्या। देखिए, सपोज अगर हमारे पास ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, तो HCl में Cl जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर क्या हुआ, एक डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल का मतलब दो पोल्स का बन जाना, एक पॉजिटिव पोल हो गया, दूसरा नेगेटिव पोल हो गया। तो जहां भी कहीं डाइपोल बन जाता है, डाइपोल बनने से क्या होता है, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज का आ जाना। चार्ज मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आया है, जहां पर भी कहीं आपको चार्ज देखने को मिले, इसका मतलब मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं पोलैरिटी है। पोलैरिटी मींस होता है चार्ज का डेवलपमेंट, ठीक है। और जहां भी कहीं पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल में, तो वहां पर डाइपोल मूवमेंट भी होता है। और डाइपोल मूवमेंट की एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्चुअली डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से शो करते हैं, और इसको अगर हमें कैलकुलेट करनी हो इसकी वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। क्यू क्या है, इन दोनों एटम्स के ऊपर क्या चार्ज है, और डी क्या है, डिस्टेंस, इन दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो उसकी हेल्प से हम म्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डाइपोल मूवमेंट है, और इसकी जो जो यूनिट होती है वो होती है डिबाई, और इसको हम शो करते हैं कैपिटल डी से। ये आपने कहीं पर लिखा हुआ भी देखा होगा, म्यू की वैल्यू लिखी हुई कि 1. ये और आगे डी लिखा होता है, डी फॉर डिबाई। अच्छा, और डाइपोल मोमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम हमेशा इसको ऐसे दिखाते हैं, ये पॉजिटिव से शुरू होता है और नेगेटिव की तरफ इसकी, इस तरह से हम एरो से दिखा देते हैं इसको। माने अगर पॉजिटिव पोल जहां से है वहां पर हम एरो की टेल बनाएंगे, और जहां पर नेगेटिव है वहां पर हम इसका हेड बनाएंगे, और इस तरह से हम इसको कट कर देते हैं। तो ये एक शो करने का तरीका है बॉन्ड मूवमेंट का। तो ये इस तरह से यहां पर हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल में क्योंकि पोलैरिटी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी होता है, और डाइपोल मूवमेंट को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब पोलैरिटी जहां पर भी होगी वहां पर डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे सिस आइसोमर का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा क्यों है ट्रांस आइसोमर से। सपोज हमने ये एक कंपाउंड लिया है, ये क्या कंपाउंड है, देखिए ये सिस कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड सी, दोनों सी एल, ये क्लोरीन एटम है, दोनों सेम साइड पर हैं डबल बॉन्ड के, और नाम क्या हो जाएगा, सिस 1,2 डाइक्लोरो ईथीन। अब हम इसमें देखेंगे कि डाइपोल के मूवमेंट कैसे इसमें डेवलप हुआ है। देखिए यहां पर कार्बन वही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, तो क्लोरीन का के पास क्योंकि वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन हम दिखाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम दिखा देते हैं, और ऐसे ही हम यहां भी दिखा सकते हैं, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव। तो ये यहां पर इस तरह से ये डाइपोल जो है बन के आ रहा है। तो जो ये बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन है, अब क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब दोनों की डायरेक्शन यहां जा रही है, तो इन दोनों वेक्टर्स का कुछ ना कुछ सम जरूर निकलेगा। उस वेक्टर सम को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट जरूर निकलता है, तो वेक्टर सम निकलेगा। और फिर इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट जो है वो निकल के आ रहा है। तो जब डाइपोल मूवमेंट इस सिस का कैलकुलेट किया गया, वो निकला 1.
0.85 डी डिवाइड। अच्छा, ये तो था सिस आइसोमर। ऐसे ही हमने इसी का ट्रांस आइसोमर ले लिया। ट्रांस आइसोमर में क्या हुआ, दोनों सीएल जो है वो ऑपोजिट साइड है। यहां पर भी डाइपोल तो क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव है और यहां स्लाइटली नेगेटिव है। ये भी स्लाइटली पॉजिटिव है और ये स्लाइटली नेगेटिव है। दोनों के बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाई, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इसका जो बॉन्ड मूवमेंट है वो ऊपर को जा रहा है और यहां इसका बॉन्ड मूवमेंट जो है वो नीचे को जा रहा है। यानी एक वेक्टर तो हमारा ऊपर जा रहा है और दूसरा वेक्टर हमारा नीचे जा रहा है। तो दोनों ही बॉन्ड मूवमेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो जब कैंसिल कर दे रहे हैं तो, या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों का वेक्टर का कुछ सम तो निकल ही नहीं सकता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए जो नेट डाइपोल मूवमेंट निकल के आता है वो जीरो निकल के आता है। तो हम इसीलिए, अब क्योंकि यहां पर पोलैरिटी थी मॉलिक्यूल में, इसीलिए ये जो सिस आइसोमर है ये नेचर में पोलर होता है। जहां पर भी डाइपोल मूवमेंट होगा वो मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा, और अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा नॉन पोलर है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा पोलैरिटी के लिए। तो जो भी जहां पर भी पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है उसका डाइपोल मूवमेंट हमेशा ज्यादा होता है। ये नॉन पोलर है इसलिए डाइपोल मूवमेंट है, और डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों है वो भी रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों के बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो कुछ वेक्टर सम निकल के नहीं आ रहा, नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो जीरो आ रहा है। तो इस तरह से डाइपोल मूवमेंट के बेसिस पर हम डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सा सिस आइसोमर है। अगर आपको दो आइसोमर्स दे दिए और पूछा जाए कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस, तो आप दोनों का डाइपोल मूवमेंट निकाल के देख सकते हैं। और एक का तो जिसका जीरो आएगा इसका मतलब वो ट्रांस है, और जिसका कुछ वैल्यू आएगा इसका मतलब वो सिस आइसोमर है। फिर नेक्स्ट है इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। बॉइलिंग पॉइंट में भी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इन जनरल जो होता है, सिस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ पर। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से यहां पर क्या मतलब है, देखिए जैसे क्योंकि यहां पर एक डाइपोल तो बनी रहा है, ऐसा ही एक सिस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इस सिस आइसोमर के हमारे पास बहुत मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहां पर भी डाइपोल है, उनमें भी डाइपोल होगा, तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, यानी वहां पर एक फोर्स काम करने लगता है जिसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या हम इनको बोल देते हैं कीसॉम फोर्सेस। तो यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सिस आइसोमर में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जहां पर भी हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा देखने को मिलते हैं तो उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर सिस आइसोमर का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो सिस मॉलिक्यूल क्योंकि हमारा पोलर मॉलिक्यूल है तो इसीलिए वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और उसे तोड़ने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ रही है, और जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करेगा। इसलिए सिस आइसोमर में हमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर भी हम बता सकते हैं कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंसेस। अब मेल्टिंग पॉइंट आर अफेक्टेड बाय सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एज इट अलाउज बेटर पैकिंग ऑफ सॉलिड्स। देखिए मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल की सिमेट्री पर डिपेंड करते हैं। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा उसमें जो उसके एटम्स होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, मतलब बहुत पास आएंगे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं सिमेट्री क्या चीज़ होगी। जैसे यहाँ पर अगर हम सिस की बात करें, सपोज हमने इतना पोर्शन देखा, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक इस तरह से ये एक यू शेप बन रही है, देख रहे हैं आप, और यहाँ पर क्या है, एक लीनियर शेप बन रही है। तो ये ज्यादा सिमेट्रिक है इसके कंपैरिजन में। अगर हम इस शेप में मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊं, सपोज हमारे पास एक ऐसे शेप बन रही है
और एक हमारी शेप ऐसे। अब इसके अंदर हमें एटम्स को अगर पैक करना है, यानी ये तो ये ज़्यादा पास पास एक दूसरे के आ सकते हैं, और यहाँ पर अगर हमें पैक करना पड़ेगा तो वो उतनी पास पास नहीं आ पाएंगे जितना यहाँ पर। यहाँ ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, यहाँ पर उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सिमिट्रिकल है। जितना भी सिमिट्री ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की, उसमें एटम्स की पैकिंग उतनी ज़्यादा क्लोज हो पाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि सिमिट्री देखने को मिलती है, ट्रांस आइसोमर जो होते हैं सिस आइसोमर के कंपैरिजन में ज़्यादा सिमिट्रिक होते हैं, इसीलिए उनमें मॉलिक्यूल्स की पैकिंग भी बहुत पास पास होती है। तो इसलिए उन पैकिंग्स को अलग करने के लिए हमें फिर से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू सिस। अब नेक्स्ट डिफरेंस आता है सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। देखिए सॉल्युबिलिटी भी क्या डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर। भाई मॉलिक्यूल्स आपस में जितना ज़्यादा जुड़े हुए होंगे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होंगे, तो उन्हें आपस में एक दूसरे से अलग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब वो उतना इजीली सॉल्युबल यानी घुलनशीलता जिसको हम बोल देते हैं, कि अगर हम मान लो पानी में डिजॉल्व करने लग जाएं, तो एक तो फैक्टर ये हो गया कि सिस आइसोमर क्योंकि हमारे पोलर होते हैं, तो भाई ठीक है वो तो उसमें जाकर डिसॉल्व हो जाएंगे पोलर, क्योंकि वाटर भी पोलर है और भाई ये सिस भी पोलर है, जबकि ट्रांस आइसोमर उतना इजीली उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर बात करें, तो क्योंकि सिस आइसोमर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू ट्रांस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि हमें सिस में ज़्यादा देखने को मिले, तो इसलिए वहाँ सिस आइसोमर के केस में क्या हुआ, मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं एक दूसरे के, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो उनके उस अटैचमेंट को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सॉल्वेंट के लिए, जिसमें भी हम उसको डिजॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए सिस आइसोमर की जो जनरल अगर हम बात करें, तो ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है उनकी इन कंपेरिजन टू सिस आइसोमर के कंपेरिजन में। अच्छा फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी डिफरेंसेस। अब स्टेबल हम कैसे देखेंगे, नॉर्मल हम कहते हैं कि जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनकी हायर स्टेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू सिस आइसोमर। वो हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया, ये था हमारा सिस आइसोमर और एक हमने बनाया यहाँ पर ट्रांस आइसोमर। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर CH3 एक बल्कि ग्रुप है, बल्कि माने बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये CH3 भी बल्कि ग्रुप है, तो जो जब दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होता है, यानी दोनों एक दूसरे को एक रिपेल करेंगे। एक होता है अट्रैक्शन टर्म और दूसरी होती है रिपल्शन। अट्रैक्शन एक दूसरे को आप एक दूसरे की तरफ खींचना, और रिपेल एक दूसरे से दूर जाना। तो क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, जहां भी कहीं बल्कि ग्रुप्स पास पास होते हैं, हमेशा वहां पर स्टेरिक फैक्टर आता है, स्टेरिक रिपल्शन वहां पर देखने को मिलता है। और जिस भी मॉलिक्यूल में रिपल्शन ज्यादा हो, एक चीज आप हमेशा के लिए याद रखिए कि रिपल्शन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां पर हमेशा एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है वहां पर एनर्जी भी मॉलिक्यूल की ज्यादा हो जाती है, और मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होने से उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो सिस आइसोमर्स में क्योंकि दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पास पास हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक दूसरे को रिपेल करते हैं इसलिए इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि ट्रांस के केस में क्या है, ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे से काफी दूरी पर है, तो इनके बीच में उतना स्टेरिक रिपल्शन नहीं हो पाता जितना यहां पर है। तो इसलिए जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं हमारे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू सिस आइसोमर। तो ये सब कुछ था, हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि अगर हमारे पास एक सिस आइसोमर है दूसरा ट्रांस, तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक सिस है या दूसरा ट्रांस। तो इन डिफरेंसेस के बेस पर हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।